लिया गया है। अब बारी है तो लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा का आखिरकार अध्यक्ष कौन बनेगा। नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन जो है वो एनडीए को दे दिया है, बीजेपी को दे दिया, साथ ही साथ टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी पीछे नहीं हटे। और जिस तरीके से दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के तमाम मंत्रियों पर भरोसा जताया है और वही मंत्रालय इस बार दे दिया है, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि एक बार फिर से ओम बिड़ला पर ही पीएम मोदी भरोसा जताएंगे और उन्हें एक बार और अपने इस कार्यकाल में मौका देंगे। जून को से शुरू हो रही 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव होना तय हो चुका है। इसके साथ ही नए स्पीकर को लेकर घटक दलों में भी हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा दबाव टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अपना स्पीकर बनाना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि टीडीपी जिद पर अड़ती है तो भाजपा डी पुंदरेश्वरी का नाम आगे कर सकती है ताकि नायडू ना ही कर सके। पुंदरेश्वरी आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं तथा नायडू प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन हैं। ऐसे में टीडीपी के लिए उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार एनडीए 3 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा जताया है, इससे यही माना जा रहा है कि शायद मौजूदा स्पीकर ओम बिड़ला को भी एक और कार्यकाल मिल जाए। लेकिन ये काफी इस बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए के घटक दलों का रुख क्या रहता है। इसमें दो बातें देखने वाली होंगी, एक टीडीपी अपने उम्मीदवार को लेकर दबाव नहीं डाले, दूसरा ओम बिड़ला को लेकर घटक दलों का रुख क्या रहता है। जदयू के नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि उनका दल स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगा। इससे ये तो स्पष्ट है कि जदयू अपना कोई उम्मीदवार नहीं लाने जा रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जदयू भाजपा के उम्मीदवार पर अपनी सहमति जरूर समझती है या इसे भाजपा पर ही छोड़ देती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब टीडीपी एनडीए में शामिल हुई थी, उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने दल का स्पीकर बनाने में सफलता हासिल की थी। तब जीएमसी बाल योगी पहले 12वीं एवं बाद में 13वीं लोकसभा के स्पीकर बने थे। स्पीकर पद चाहने की वजह से ये भी माना जा रहा है कि इसके जरिए टीडीपी सुरक्षित होना चाहती है कि उसके दल को यदि तोड़ा जाता है तो ऐसे में स्पीकर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी से कुछ वरिष्ठ सांसदों के नाम भी स्पीकर पद के लिए चल रहे हैं। इनमें 7वीं बार सांसद बने भृतहरि महताब और 6 बार के बाद सांसद जो है राधा मोहन सिंह का नाम भी प्रमुख है, यानी राधा मोहन सिंह को भी मौका मिल सकता है। तो देखिए एक बार फिर से यानी तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बन चुकी है, बीजेपी की एनडीए की सरकार केंद्र में बन चुकी है, लेकिन अभी भी लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं किया गया। एक तरफ जहां जदयू की तरफ से रुख साफ कर लिया गया है कि जदयू जो है अपना उम्मीदवार लोकसभा के स्पीकर के तौर पर नहीं देगी, लेकिन क्या वो बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देगी या नहीं ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की के पत्नी की बहन को मौका मिल सकता है, बीजेपी जो है वो आंध्र प्रदेश से उन्हें स्पीकर के पद पर उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। होगा क्या ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।